हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपको फ्रेंड्स बुला रहा हूँ, मतलब कि दोस्त। ठीक है, आज हम फ्रेंड्स की तरह पढ़ेंगे। तो आपकी बुक जो है लुकिंग अराउंड क्लास 3 के लिए, उसका चैप्टर नंबर 3 वाटर ऑफ वाटर। ठीक है, ये एक पोयम है। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, पानी के बारे में है, तो अब शुरू करते हैं। आई विल वॉश माई फेस विद वाटर, सैड मुन्ना टू हिज नानी। अब मुन्ना है एक बच्चा, ठीक है, उसने अपनी नानी को क्या कहा कि मैं पानी से अपना मुंह धोऊंगा। ठीक है भाई, वी ऑल क्वेंच अवर थर्स्ट थर्स्ट विद वाटर। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। कह रहा है भाई क्वेंच, अब ये वर्ड है क्वेंच। ठीक है, अब जितने भी वर्क वर्ड मैंने मार्क करे हैं ना, उन सबको आपको लिखना है और उनके मीनिंग लिखने हैं। ठीक है, ये मैंने लिखे हुए हैं सबके मीनिंग, और एक कॉपी में लिखोगे इनको और याद करोगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। ठीक है, वी ऑल क्वेंच आवर थर्स्ट विद वाटर। कह रहा है हम पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। ठीक है, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं ना। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। हम जिंदा हैं सभी किसकी वजह से? पानी की वजह से। भाई पानी नहीं मिलेगा तो गला सूख जाएगा ना, एकदम मरने वाली हालत हो जाएगी। वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस। एजेस का मतलब बहुत ही सालों से। ठीक है, कह रहा है पानी हमारे साथ बहुत सालों से है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। कह रहा है उसकी पानी की जो कहानी है वो बहुत सारे पेजेस भर सकती है, इतने सालों से हमारे पास। ठीक है, अगर कहानी लिखने बैठे इसके बारे में तो बहुत सारे पेजेस भर जाएंगे। समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो। अब ड्यू का मतलब क्या हुआ? ओस। ठीक है, ठंड में या फिर सुबह जब पार्क में जाते होगे अर्ली मॉर्निंग, तो आपने देखा होगा भाई पार्क में वो घास पे एकदम वो ओस जम जाती है ना, गीली गीली घास होती है, सर्दियों में पत्तों पर जम जाती है, फूल पत्ती सब जगह ओस है ना, वही ड्यू बोलते हैं इसको। समवेयर इट इज़ ड्यू कह रहा है कुछ जगह ओस है, समवेयर इट इज़ स्नो कुछ जगह पे बर्फ मिलती है। स्नो होता है हिमपात बोलते हैं या फिर बर्फ। ठीक है, स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो। अब स्टीम फॉर्म्स ऑफ वाटर होती है ना भाई, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, ऐसे ही स्टीम भाप गैसियस फॉर्म होती है ना वाटर की, तो सॉलिड होता है मतलब जैसे बर्फ जम गई। ठीक है, वो हो गए सॉलिड फॉर्म वाटर की, और लिक्विड तो वाटर है ही पानी। ठीक है, तरल, और गैस होगी इसकी भाप। ठीक है, तो स्टीम बोल देंगे या गैस बोल देंगे। ठीक है, तो स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो। कह रहा है स्टीम जो भाप है वो भी तो पानी है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे खाना पकाती है मम्मी, तो उस पे जब ढक्कन डालती है गरम गरम सब्जी पे या खाने पे, तो जब हम ढक्कन हटाते हैं तो उस पे वो जम जाती है, भाप जम जाती है और उसका पानी बन जाता है ना बच्चों, देखा होगा आपने। तो सॉरी मैंने बच्चों बोला। ठीक है मित्रों, आज हम फ्रेंड्स की तरह पढ़ रहे हैं। वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी, दैट इज़ वाई सेज माई नानी, दैट इज़ वॉट सेज माई नानी। कह रहा है भाई वाटर के जो है बहुत सारे फॉर्म होते हैं, मेरी नानी कहती है। अभी मैंने आपको बताया ना फॉर्म का मतलब उसके प्रकार, कितने प्रकार से मिल सकता है स्टेट ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो लिक्विड हो गया, गैस हो गया और सॉलिड हो गया। ठीक है, सॉलिड में आपकी बर्फ हो जाएगी, लिक्विड पानी है ही, और गैस में होगा आपका स्टीम या फिर गैस बोल सकते हैं, स्टीम बोल सकते हैं। द रिवर फ्लो द वाटरफॉल सिंग्स। कह रहा है भाई जब नदी है वो बहती है और झरने गाते हैं। ठीक है, फ्लो का मतलब बहना, वाटरफॉल मतलब झरने। ठीक है, और ये फॉर्म्स का मतलब होता है रूप, कितने प्रकार के रूप होते हैं पानी के, वो मैंने आपको बता दिया है। एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। कह रहा है भाई वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। लेक्स का मतलब आप वो हो गया नहर होगी या ठीक है, और स्प्रिंग्स का मतलब हो गया भाई झरने या सोता, पानी का सोता बोलते हैं। ठीक है, और स्वेल्स का मतलब है बहना। कह रहा भाई पानी जो है वो लेक्स में भी बहता है और झरनों में भी बहता है या फिर पानी के सोतों में भी बहता है। सोते होते हैं भाई जैसे कुंड बन जाते हैं कहीं पे, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, ज़मीन के अंदर से लीक होकर पानी आ जाता है वहाँ पे, वो इकट्ठा हो जाता है एक तालाब जैसा कुंड। ठीक है, कुंड बोलते हैं या फिर सोता। लाइफ ऑन अर्थ इट
हैज ब्रॉट वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट। कह रहा भाई पृथ्वी पे जो जीवन है लाइफ वो पानी की वजह से आया है, पानी लेकर आया है, और वाटर फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट। वाटर्ड फील्ड्स मतलब कि फील्ड्स का मतलब है भाई खेत, खेतों को पानी मिला और उनको जीवन मिला, ठीक है, क्योंकि जब हम पौधों में पानी डालते हैं तभी वो बड़े होते हैं ना, तो बिना पानी के पौधे भी नहीं उगेंगे, ठीक है, तो वो भी एक जीवन है। बट वेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स गेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स। कह रहा भाई जब, लेकिन जब पानी का गुस्सा आता है और वो बाढ़ का रूप ले लेता है, ठीक है, तो बहुत आफत मचाता है, ठीक है। मिसफॉर्चून का मतलब है आफत, फ्लड का मतलब है बाढ़, ठीक है बच्चों। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये छूट गया था मुझसे, बाढ़, ठीक है, और मिसफॉर्चून का मतलब दुर्गति आफत। तो इसको आप रीडिंग करेंगे और इसके ये वर्ड मीनिंग करेंगे, ठीक है, ये कुछ न्यू वर्ड्स आपके लिए, उनको आप एक कॉपी में लिखेंगे पेज पे, इधर वर्ड्स और इधर मीनिंग, ठीक है, उनके सामने, ठीक है बच्चों। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट पेज पे है ये भाई कुछ क्वेश्चंस। कह रहा है डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास। तो एक एक्टिविटी की तरह है ये, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि आपको पानी के बारे में कोई पोयम आती हो, ठीक है, या कोई गाना आता हो तो उसे आप क्लास में गाएंगे, ठीक है, रिसाइट करेंगे। अब क्लास तो हमारी लग नहीं रही है, क्लास तो हमारी ऑनलाइन चल रही है ना, तो आप देखेंगे कि हर जो कल्चर होता है या फिर कोई एक जगह होती है वहाँ पे अपनी कोई बोली होती है, अपना कल्चर होता है, अपनी भाषा होती है, ठीक है, अपना रहन सहन होता है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे अपनी अपनी कहावतें होती हैं, कुछ पोएम्स होती हैं, कुछ गाने होते हैं। तो आपके लैंग्वेज में या फिर आपके एरिया में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, विलेज से, सिटी से, कहीं से भी, तो वहाँ पे पानी के बारे में कुछ कहावत हो या फिर पोएम हो या फिर कोई गाना हो जो आपको पता है, तो वो आप या तो उसका एक छोटा सा वीडियो बना के भेजेंगे मेरे को, या फिर उसे लिख कर भी भेज सकते हैं, ठीक है, रिसाइट कर देना। जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कॉल करेंगे ना, तब आप उसे रिसाइट कर देना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो कॉल करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द प्लेसेस मैंशनड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। कह रहा भाई पोएम में जो प्लेसेस मैंशन किए हैं, मतलब जो कि स्थान बताए गए हैं, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पानी पाया जाता है जो पोएम के अंदर दिए गए हैं। तो आप इसे ऐसे लिखोगे, कॉपी में करना है, इसे ऐसे लिखोगे आंसर को, द प्लेसेस मैंशनड इन द पोएम वेयर वाटर इज फाउंड आर। कह रहा भाई जो प्लेसेस हैं जहाँ पे पानी मिलता है जो पोएम में है वो क्या है, रिवर्स, रिवर लिखा था, वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स लिखा था, लेक्स भी लिखा था, स्प्रिंग्स भी लिखा था, है ना, तो ये सारे जगह मेंशन की गई है पोएम में जहाँ पे पानी पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है टिक द एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज नीडेड। कह रहा है इन सारी एक्टिविटी में उन सबको टिक लगाओ जहाँ पे पानी की जरूरत होती है। तो दोस्तों फर्स्ट है टू प्ले, अब खेलने के लिए तो जरूरी नहीं है कि पानी जरूरी हो, बिना पानी के भी खेल सकते हैं, होली खेलते हैं हम पानी के साथ माना, लेकिन बिना पानी के भी तो खेलते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि भाई पानी चाहिए खेलने के लिए। टू सिंग, गाना गाने के लिए तो कोई पानी चाहिए ही नहीं होता है ना भाई। टू रो अ बोट, रो अ बोट का मतलब कश्ती को चलाने के लिए। अब कश्ती कहाँ चलती है, जो नाव होती है, बोट होती है, वो कहाँ चलती है, पानी के अंदर, तो पानी के अंदर चलेगी नाव, तो पानी तो चाहिए ना उसको, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक भाई पानी, और नदी में पानी होगा तभी उस पर नाव चलेगी। टू राइट, लिखने के लिए पानी, भाई लिखते तो हम पेंसिल से, पेन से है ना, ठीक है, उसके लिए पानी की जरूरत है ही नहीं। टू मेक टी, चाय बनाने के लिए, अब आपने देखा होगा घर में मम्मी जब चाय बनाती है तो उसमें पानी भी डालती है थोड़ा सा, ठीक है, दूध, पानी, पत्ती, चीनी वगैरह, ठीक है, तो उसमें पानी डलता है थोड़ा सा। टू नीड डो, नीड का मतलब है गूंथना, ठीक है, जैसे आटा गूंथती है ना मम्मी, वही होता है ये, नीड डो, डो का मतलब आटा, ठीक है, तो जब हम आटा गूंथती है मम्मी तो
तो उसमें पानी डाल के है ना, सूखे आटे में थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करती है और उसको गीले आटे को प्रिपेयर करती है रोटियां बनाने के लिए उसको, ठीक है, आटा प्रिपेयर करती है। तो इसके लिए चाहिए टू रन अ फैन, पंखा चलाने के लिए तो भाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, बिजली होगी तभी तो पंखा चलेगा, पानी से थोड़ी चलता पंखा। टू पेंट पिक्चर्स, अब पिक्चर्स को पेंट करने के लिए, पेंटिंग जो होती है, पेंटिंग में कलर्स के अंदर पानी मिलाते हैं ना थोड़ा थोड़ा, उसको गीला करने, थोड़ा मिक्स करने के लिए, ताकि थोड़ा पतला हो जाए, है ना, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं भाई। टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट्स को उगाने के लिए, भाई प्लांट्स बिना पानी के कैसे उगेंगे, है ना, पौधों को पानी मिलेगा तभी तो वो बड़े होंगे ना। तो ये सारे करेक्ट आंसर्स हैं जो हमने टिक किए, इनमें इसकी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अब नेक्स्ट, नेम एनी फोर एक्टिविटीज विच, कह रहा चार एक्टिविटीज के नाम बताओ, चार ऐसी क्रियाएं बताओ जिसमें यू कैन डू विदाउट वाटर, जो आप बिना पानी के भी कर सकते हो। अब ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप अपने मन से भी और एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने लिखा स्पीकिंग, भाई बोलने के लिए, बोलना एक एक्टिविटी है ना, बातें करना, बोलना, तो बोलना एक एक्टिविटी है, तो स्पीकिंग हो सकता है भाई बिना पानी के हो सकती है। डांसिंग, नाचने के लिए, नाचना भी एक एक्टिविटी है, उसमें भी पानी की ज़रूरत नहीं है। स्लीपिंग, सोने के लिए, सोने के लिए तो नींद चाहिए हो, और एक चाहिए होती है, और एक बढ़िया सा बिस्तर होना चाहिए, है ना, और पंखा होना चाहिए, तो खर्राटे मार के आराम से सो। रनिंग, दौड़ने के लिए, दौड़ लगाने के लिए पानी नहीं चाहता भाई, ठीक है ना, पानी में थोड़ी दौड़ लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटी मैंने लिखी हैं, आप इनके अलावा भी जो आपको मन में आता है, आपको अगर पता है, ठीक है, अपने मन से भी आप लिख सकते हैं। यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी वो बतानी है जो आप पानी के बगैर नहीं कर सकते हो, ठीक है, सेम इसी में रहेगा, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आपने अपनी तरफ से भी कोशिश करनी है कि और इसके अलावा आंसर दें, ठीक है, ऑप्शन दें एक्टिविटी के। फर्स्ट मैंने लिखा भाई वॉशिंग क्लोथ्स, अब कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए तो भाई पानी चाहिए, है ना, देखा होगा मम्मी को आपने कपड़े धोते हुए, या घर में जो भी कपड़े वॉश करता है, हम खुद भी करते हैं कभी कभी, तो कपड़े धोने के लिए पानी लगता है। बाथिंग, बाथिंग का मतलब होता है भाई नहाना, नहाएंगे बिना पानी के कैसे नहाएंगे भाई, है ना, बर्फ थोड़ी रगड़ लेंगे या फिर ऐसे ही हवा वा से थोड़ी नहा लेंगे। कुकिंग, भाई खाना बनाने में भी पानी यूज़ होता है, जैसे आटा है, आटा लगाने के लिए भी पानी यूज़ होता है, सब्जी है, सब्जी में भी थोड़ा सा पानी डलता है ना, तो कुकिंग में भी चाहिए। वॉशिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, बर्तन धोने के लिए भी पानी चाहिए। तो ये कुछ एक्टिविटी थी जो पानी के साथ होती है, जिसमें पानी चाहता ही चाहता है। वाटर मोर और लेस, कह रहा भाई अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज, बिगन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज बताई हैं इसने, इसने कहा है भाई उस एक्टिविटी से शुरू करना है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी लगता है, सबसे ज़्यादा से सबसे कम की ओर जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्टिविटी है टू बाथ, भाई बाथ का मतलब होता है नहाना, ठीक है, नहाने में पानी लगता है। टू ड्रिंक, पीने में लगता है, पहले हम चेक कर लेते हैं। टू क्लीन द हाउस, उसमें भी लगता है। टू वाटर द फील्ड्स, खेतों में पानी देने के लिए भी लगता है भाई। टू नीड द डो, आटा लगाने के लिए भी लगता है भाई, है ना। तभी मैंने बताना है कि भाई इनमें से सबसे ज़्यादा पानी किस में लगता है, उससे कम किस में, और उससे कम किस में, ऐसे करते हुए सबसे कम की ओर जाना है। तो फर्स्ट भाई खेत सबसे बड़े होते हैं, इनमें सबसे बड़ा खेत दिख रहा है भाई, है ना। अब खेतों में तो बहुत सारा पानी लगता है ना, तो फर्स्ट होगा भाई टू वाटर द फील्ड्स। अब नेक्स्ट आता है टू क्लीन द हाउस, अब भाई घर को साफ करने के लिए, पूरे घर को अगर साफ करेंगे तो 3-4 बाल्टी तो पानी लग ही जाएगा, है ना, 2-3 तो लग ही जाएगा कम से कम। और टू बाथ, अब बाथ नहाने के लिए भी भाई 1 बाल्टी तो, 1-1.5 बाल्टी तो लगता ही है, ठीक है, तो उससे कम नहाने में लगता है। टू ड्रिंक, पीने में थोड़ा उससे कम लगता है, भाई दिन में 1-2 लीटर या 4-5 लीटर हम पानी पी लेते हैं, इतना हमें पीना भी चाहिए, ठीक है ना, उससे हमारा बॉडी के लिए अच्छा होता है पानी, ठीक है ना, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, गर्मी में तो और ज़्यादा पीना चाहिए। टू ड्रिंक, अब ड्रिंक में भी लगता ही है, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया भाई 3-4 लीटर तो पानी पीना चाहिए, वैसे भी हम कम से कम 1-2 लीटर तो पानी पी ही लेते हैं पूरे दिन में। टू नीड द डो, अब उससे कम आटा लगाने में चाहिए भाई, आटा लगाने में कितना, 1-1.5 गिलास चाहिए, है ना,
एक डेढ़ गिलास पानी में आटा लग जाएगा। तो ऐसे आप इसको अरेंज कर दिया हमने, ठीक है दोस्तों। अब हमारा देखते हैं कितना रह गया ये पार्ट, अगर ज़्यादा है तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसे, ठीक है। अभी मैं चेक करता हूँ, चलो हम ये पेज नंबर 21 और करते हैं इस वीडियो में, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो इसके पार्ट बनाएंगे उसमें कवर करेंगे, ठीक है। वाटर फ्रॉम वेयर, अब कह रहा है पानी कहाँ से। इन द पोएम यू रेड अबाउट रिवर्स, आपने पानी नदी के बारे में पढ़ा पोएम के अंदर, झरनों के बारे में पढ़ा, लेक्स यानी नहर के बारे में पढ़ा, एंड स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स का बताया था मैंने, सोता। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस, फ्रॉम वेयर डू यू गेट द वाटर, पुट अ राउंड मतलब सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर आइदर ऑन इन योर हाउस और अराउंड इट। कह रहा है आप इनमें से, यहाँ पे कुछ जगहें दी हुई हैं, कह रहा है आप यहाँ पे कौन सी जगहों से पानी लाते हो जो कि आपके आसपास या कि फिर घर में है, ठीक है। उन्हीं को लगाना भाई, ऐसा नहीं कि समुंदर कर दिया भाई, समुंदर से कोई पानी नहीं ले गया था, ठीक है ना। तो आप उन्हीं को मार्क करोगे, ये आपके लिए खुद से करना है, ये उन्हीं चीज़ों को मार्क करोगे जो आपके घर में है या फिर आपके आसपास है। जैसे कुआ होता है भाई, कुछ कुछ घर के पास होगा, कुछ के पास नहीं होगा, जिनके पास है वो लगाएंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं लगाएंगे। टैप मतलब टोटी, ठीक है। अब टोटी तो सबके घर में होती है ना, तो टैप सबके घर में होती है तो टैप सब लगाएंगे। ऐसे ही हॉट वाटर स्प्रिंग, अब पानी का सोता जो है वो तो कुछ कुछ जगहों पर ही मिलता है ना, ऐसा थोड़ी है कि घर के बाहर होगा पानी का सोता, जरूरी थोड़ी है। तो ऐसे ही आप उन्हीं चीज़ों को मार्क करेंगे जो आपके घर में है या आसपास है, ठीक है। अगर किसी के घर के पास रिवर है तो उसको मार्क कर सकता है, ठीक है बच्चों। मित्रों, आई एम सॉरी वंस अगेन, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर, कह रहा आपने पानी जमीन से पानी आते हुए देखा है, और देखा है तो कहाँ से देखा है, ठीक है। अब इसके लिए मैंने आपके लिए एक आंसर प्रिपेयर किया है, ठीक है बच्चों, इसको देखेंगे। तो इसमें मैंने दो तरह के आंसर दिए हैं, ठीक है, वो दोनों ही एप्लीकेबल होंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर आपने नहीं देखा है भाई ज़मीन से पानी निकलते हुए, तो आप लिखेंगे नो आंसर में, ठीक है, ये कॉपी में करना है। और अगर आपने देखा है तो इसको ऐसे लिखेंगे भाई, येस आई हैव सीन हॉट वाटर स्प्रिंग एट, अब एट के आगे जो मैंने ब्लैंक दिया है वहाँ पे आपको प्लेस फिल करना है भाई, आपने कहाँ देखा था, ठीक है। अगर देखा है तो ही लिखना, ठीक है बच्चों, उस जगह का नाम लिखना भाई, कौन सी जगह पर आपने पानी का सोता देखा था, अब मतलब ज़मीन से गर्म पानी निकलते हुए देखा था। अब मैंने कुछ एग्जांपल दिए भाई, कहाँ कहाँ ज़मीन से पानी गर्म गर्म निकलता है अपने भारत देश में, ठीक है, इंडिया में। पनामिक इन नुब्रा वैली, ले टाउन, लेह लद्दाख एक जगह है जहाँ की नुब्रा वैली, ठीक है, एक नुब्रा घाटी है वहाँ पे, पनामिक, पनामिक कोई जगह है, उस जगह पे गर्म पानी निकलता है ज़मीन से, ठीक है बच्चों। ऐसे ही गौरीकुंड, गौरीकुंड है ये कहाँ पे है भाई, मंदाकिनी रिवर के तट पर, मंदाकिनी रिवर के पास है, और जो वो कहाँ है भाई, केदारनाथ के ट्रैक पे, केदारनाथ जब जाते हैं ना उधर मंदाकिनी नदी आती है रास्ते में, ठीक है, उसके पास ये है गौरीकुंड, यहाँ पे भी ज़मीन से गर्म पानी निकलता है। ये कुछ एग्जाम्पल थी आपके लिए, तो आंसर आप लिखेंगे यस या नो में, ठीक है। जैसे मैंने बताया, अगर नो है तो वहाँ पे नो लिखोगे, नो आई हैव नॉट सीन हॉट वाटर स्प्रिंग, और अगर यस है तो लिखोगे यस आई हैव सीन हॉट वाटर स्प्रिंग एट, वो प्लेस लिख दोगे भाई, प्लेस का नाम। नेक्स्ट है भाई, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स, कह रहा भाई आपको कुछ नदियों के नाम पता है और उनके नाम लिखो अगर पता है तो। अब मैंने इसमें भी कुछ आपके लिए एग्जाम्पल लिखे हैं भाई, जैसे गंगा, गंगा रिवर है, गोमती रिवर है, साबरमती रिवर है, ठीक है। ऐसे ही और आपको पूछना है, घर पे पेरेंट्स से पूछोगे, बड़े भाई बहन से पूछोगे, आपको खुद भी पता है तो खुद से लिखोगे, तो आपको कम से कम चार या उससे ज़्यादा आप लिख सकते हो, वो आपको लिखने हैं यहाँ पे नदियों के नाम, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, तेरा घर में आपको पीने का पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, मतलब कहाँ कहाँ आप रखते हो उसको जमा करके, तो लिखोगे एट होम आई गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉट्स, मतलब कि घड़े से,
बॉटल्स, बोतल से वाटर टैंक या फिर पानी की कोई टंकी हो, ठीक है। तो इन इन जगहों से हम पानी स्टोर करके रखते हैं, घर में यहाँ पानी मिलता है। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? कह रहे भाई आपको दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, और अगर जाना पड़ता है तो कितना दूर जाना पड़ता है? तो यहाँ पे आप देखोगे भाई लिखा है नो। भाई आजकल तो सबके घर में पानी का कनेक्शन है, घर में टोटी से पानी आता है सुबह 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 शाम जब भी आता है, एक टाइम या दो टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे नो वी डू नॉट हैव टू गो फार टू गेट वाटर, इट इज स्टोर्ड इन टैंक एंड वी गेट इट वेन वी ओपन द टैप। इसमें मैंने क्या लिखा है कि नहीं, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, हम पानी को घर में टंकी में स्टोर करके रखते हैं, और वहाँ से हमें टोटी जब खोलते हैं तो टंकी में से पानी टोटी के थ्रू हमें मिलता है, ठीक है बच्चों। डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? कह रहा है आपके पड़ोसी जो हैं वो भी सेम जगह से पानी लेते हैं? तो लिखोगे येस आवर नेबर्स ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम द पाइपलाइंस। अब पाइपलाइन जो है, पानी के कनेक्शन जो है वो सबके घर में होते हैं ना, ठीक है। तो जो आस पड़ोस में हो गए, अब आपके घर में तो उसके घर में भी होगा, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यही लिखोगे, इसमें आप ये भी लिख सकते हो भाई, अगर किसी के घर में हैंडपम्प है, हैंडपम्प से भी लिख सकते हो भाई। जैसे मैंने लिखा भाई स्टोर करते हैं हम टंकी में, स्टोर तो करते ही हैं लेकिन पानी हमें वहाँ से भी मिलता है। तो अपनी तरफ से भी आंसर अगर आप लिखना चाहें कुछ इम्प्रूवमेंट करके तो उसे लिख सकते हैं। वाई डू यू वी नीड टू स्टोर वाटर? कह रहा है हमें पानी संरक्षित करने की क्या ज़रूरत है, पानी को जमा करने की क्या ज़रूरत है? वी नीड टू स्टोर द वाटर, वी नीड टू स्टोर वाटर सो दैट इट इज़ अवेलेबल इजीली फॉर कंजम्पशन व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट सप्लाई ऑफ वाटर। कंजम्पशन का मतलब है उपभोग करने के लिए, ठीक है। तो कह रहा है भाई हमें पानी की ज़रूरत, वो स्टोर करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि जब कभी पानी अवेलेबल ना हो, ठीक है, मिल ना पाए कहीं से, तो हमारे पास इतना पानी हो कि हम उस टाइम में यूज़ कर सकें, ठीक है। जैसे कभी कभी घर में पानी नहीं आता भाई, ठीक है, तो हम टंकी क्यों लगाई हुई है अपने घर में, ताकि पानी हम उसमें स्टोर कर सके। तो किसी दिन अगर पानी नहीं भी आया है तो हमारा काम चल सके, हमें पीने के लिए, नहाने के लिए या फिर और कोई काम करने के लिए पानी मिल सके, ठीक है, इसलिए हम पानी को स्टोर करते हैं। हु फैचेस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस? अब ये आंसर आपको खुद देना है, ये मैंने एग्जाम्पल लेके यही नहीं लिखने। ये कह रहा है भाई फैच का मतलब है पानी को भरना या स्टोर करना, ठीक है, निकालना भी बोलते हैं इसको। कह रहा है भाई आपके घर में पानी कौन जमा करता है, ठीक है, पानी की ड्यूटी किसकी है, पानी भरने की टंकी में या फिर कहीं पे भी। तो भाई जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा भाई मदर की ड्यूटी हो सकती है, भाई मदर करती हो, बड़े बहन भाई हो वो करते हो, पापा भी कर सकते हैं या फिर और कोई घर का सदस्य है वो कर सकता है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे जैसे मदर है, माई मदर फैचेज वाटर, स्टोर्स वाटर इन माई हाउस, ठीक है, ऐसे लिखोगे। या फिर जो भी है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, उसका नाम लिखोगे और लिखोगे फैचेज स्टोर्स वाटर इन योर हाउस। नेक्स्ट है आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? कह रहा भाई जहाँ से आप पानी भरते हो वहाँ पे कुछ और लोग हैं जिनको आप मना कर देते हो या फिर जिन लोगों को पानी भरने नहीं दिया जाता। तो वैसे तो देखो बच्चों इसका एक आंसर यहाँ पे देखते हैं, इसके बारे में मैं और डिस्कस करूँगा अभी। आंसर है कि आप लिख सकते हैं नो ऑल आर अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर। कह रहा भाई नहीं, सबको पानी लेने की इजाज़त है, मतलब सब पानी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि भाई एक बंदा लेगा या फिर दूसरे को नहीं लेने देंगे, ठीक है ना, ऐसा भेदभाव नहीं होता। लेकिन कुछ टाइम पहले भाई या फिर कुछ जगहों पे अभी भी, ठीक है, पिछड़े इलाकों में वहाँ पे अभी भी ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, कम्युनिटी का मतलब होता है एक मान लो कोई जाति है, ठीक है, लोगों की, तो उसे भाई बोलेंगे कि भाई जहाँ से हम पानी लेते हैं आप लोग वहाँ से पानी नहीं लोगे, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ जगहों पे कल्चर चला हुआ आ रहा है पुराने टाइम से, तो वो क्या है, गलत है भाई। पानी तो है, वो सबको चाहिए भाई पीने के लिए, ठीक है, ऐसा तो है नहीं भाई। और पानी तो किसी कोई अपने घर से तो लाया नहीं, नेचर देता है हमें पानी, प्रकृति से आता है, ठीक है। तो अब उस पर तो सबका हक है ना, तो जो चाहे वो ले सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो अगर कहीं पे प्रैक्टिस चल रही है ऐसी कि भाई पानी नहीं लेने देते किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो वो गलत है, ठीक है। इसीलिए मैंने आंसर लिखा भाई नो
ऑल आर अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर, भाई जहाँ से हम पानी लेते हैं वहाँ पे सबको अलाउड है, भाई पानी ले सकते हो, कोई भी पानी ले सकता है, पानी के लिए किसी को मना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, ठीक है, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।